गरियाबंद से इस वक्त की खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने वर्मी कंपोस्ट में मिलावट करने के आरोप लगाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप शर्मा, विधायक डमरूधर पुजारी, पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, वर्मी कंपोस्ट में की गई घपला की जांच की मांग की है, वहीं उन्हें ज्ञापन सौंपा है। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रक्त बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, रक्त बदल दो, ताज बदल दो। किसानों को गुमराह करना बंद करें। सरकार भूपेश सरकार ने किसानों को ठग रहा है, आर्मी कंपोस्ट बोल रहा है और मट्टी को बेच रहा है किसानों को, जनता को और किसानों को। ये ठगने वाला भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आम जनता से लेके किसान तक ठगने वाला है। पूरे प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिट्टी और धूल से भरी बोरियों को किसानों को टिकाया जा रहा है। प्रति एकड़ अनावश्यक 900 रुपए का खाद लेने के लिए गरीब किसानों को मजबूर किया जा रहा है। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय है। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में जिन किसानों को, पीड़ित किसान है किसी किसी मामले में, उनको मुआवजा देने की जब बारी आती है तो भूपेश बघेल जो है पीठ दिखाते हैं। दूसरे प्रदेश में जाकर के 50-50 लाख का मुआवजा देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की जब बारी आती है तो उनको 20,000 रुपए देकर के उनको फुसलाने का काम करते हैं। ये भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा जो है भेदभाव की नीति है और एक बुरी नीति सरकार की है। और तीसरी बात यह है,